बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बी पी ई डी, बी एड, बी ए, बी कॉम और बी एस सी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास महर्रा ललितपुर। भैया राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। दमोह में उपचुनाव की घोषणा हो गई है, 17 अप्रैल को मतदान है और ये मतदान की घोषणा के संगे सियासत तेज हो गई है। पार्टी की तरफ से प्रभारी भी बनाए गए थे और जिनको पड़ोसी इलाका भी है, गोपाल भार्गव जी महासंघ है। भाई जब का तैयारी है दमोह में? पूरी तैयारी है और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उस कारण से दमोह ज्यादा जाना आना नहीं हुआ है। बीच में भी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हुए थे दमोह में और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति रही, तो मैंने समझने की कोशिश की लोगों को, तो सारे लोग, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तत्पर हैं और अनुकूल वातावरण है। राज्य सरकार के साथ लोग रहना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, विकास करवाना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। हम बहुत कई बार दमोह जात, तो जरा बुंदेली में आप लोगों को एक बात बता दो, आदमी जाकर के गड़ा कोटा कैसे विकास चाहना दमोह में, बहुत हर बार आदमी जाएगी की तुलना जरूर करता। तो भार्गव जी भी जब होते प्रभारी के तौर पर जाए या अपनी पार्टी के तौर पर जाए, तो ये बार कुछ नई चीजें नौ ऐसा गलत दे के आए कि गड़ा कोटा जैसो कभी हो जाए दमोह बुंदेली? जब आज जरूर है, गड़ा कोटा में विकास तो भाव है, हम तो तुलना नहीं करत को जगह से दूसरी, सबरे प्रदेश में विकास भाव, सबरे देश में विकास भाव। हो सकता है, हो सकता है गड़ा कोटा में मैं लोगों के लिए ज्यादा दिख रहा हूँ और हुआ भी है, ये बात सही है। और हमने और हमारा जो बेटा है अभिषेक, उनने बाकी अधिकारियों कर्मचारियों सहित, मतलब जो पूरी टीम काम करती है, सब लोगों ने मिल गए अच्छे काम करो है, विकास का भी काम किया, कई नवाचार किया है, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, कई प्रकार की गतिविधियां वहां पर चला रहे हैं, जैसे ऑडिटोरियम बनवाया उसमें कोचिंग करवा रहे हैं, स्टेडियम बनवाया उसमें ट्रेनिंग करवा रहे, भर्तियों की, पुलिस की, मिलिट्री की और भी भर्तियों की कोशिश करवा रहे, जिम है। और बस्ती की कुल मिला के ये है खूबसूरती की, यदि हमारी बस्ती को कोई वो अपन कहते हैं नहीं, जो स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी का कोई पैसा नहीं मिला, न कोनो पैसा मिलो स्मार्ट सिटी को, न कोनो अलग से कोई फंड मंड मिलो, जो कचू थोड़ो मोड़ो मिलो वही को मिला जुला के हम औरों ने, और अपने खुद के संसाधनों से अपनी बस्ती को, अपने क्षेत्र को, गड़ा कोटा का सायपुर है, रैली है, पहले से 10 साल पहले जो गव हुई है, अब जो गुजे है वो पता चल है कि विकास का होता है। तो हम तो ये सभी प्रतिनिधियों से कहते हैं, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों सभी से, कि तना की तरबसुई देख वो करे, अब जो देख है सो फिर बन जे है, अन्य देख है सो बेजे है। एक और बात दमों में आ रही, जयंत मलैया जी का रुख अपनावे आ रहे हैं, आपके बहुत पुराने साथी रहे सरकार में भी, वरिष्ठता के उसमें भी लगभग आसपास आप लोग रहे, लेकिन इवर मलैया जी अब चुप हैं, उनके पुत्र एक तरह से बगावत के भी स्वर उनके सुनाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका बहुत अहम हो जाती दमों में कि कैसे ये पूरी चीज को या तो कंट्रोल में करो या अनकंट्रोल हुई तो रोको, का भूमिका रहे भार्गव जी? देखो हमारे तो हैं बाहरी दमोह क्षेत्र के, तो हम रहे हैं नहीं है, अब होते कि रहे वारे हैं मलैया या फिर उनके परिवार के लोग हैं, जो पुत्र हैं, जो भी हैं, सो वे बारे में ज्यादा बता सकते हैं। और स्वाभाविक है कि मलैया जी चुनाव हारे तो अब उनके मन में एक बात तो रहता ही है, आदमी आए कछु संत महात्मा तो है नहीं है, और थोड़ी बहुत जो भावना रहते है वो धीरे धीरे पार्टी के अनुसार से थे, उन्हें हमेशा जाय कही कि हम तो पार्टी के संग हैं, तो जैसी भी कह रहे हैं वैसे भी कर रहे हैं, सभी में कुछ चिंता की बात नहीं है। आपको उम्मीद है कि पार्टी के संग ही रहे? संग रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं,
उनके पिताजी रह संगे, चुनाव भी लड़े उनके पिताजी, बड़े बड़े लोगों से लड़े, राष्ट्रपति के मोड़ा से चुनाव लड़े, और भी चुनाव लड़े, शंकरगिरी से चुनाव लड़े उन्हीं के पिताजी। तो जब 50-60 साल से वे पार्टी में हैं, तो हम तो जाई मान के चलते हैं कि पार्टी के संगे हमेशा रहे हैं, और उनने खुद ही कही है इंटरव्यू वगैरह में, सभी में कही है, मोड़ा ने भी कही है। तो अपन कैसे मान लें कि न रहे। तो जयते गोपाल भार्गव जिनको कहो है कि मलैया जी भी भाजपा के संगे रहे, और पार्टी जो दमो को उपचुनाव है उसको आसानी से जीते। कैमरा मैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।